upon the religious conviction of others, nay more, to understand that not only should be the charitable but also positively helpful to each other, however different our religious ideas and conviction may lie. I would like to enlighten my honourable members that this is the need of the hour. We should be more generous, we should be more liberal, we should be more accommodative if we want to make India strong and dynamic. Main abhi sir do char baat kehna chahte hain, main janta hu samay ki badi kam hai, ye badi badi baat kahi ja rahi thi yahan, main ye batana chahte hain, ye grihamantri ji bhi hai yahan to bade unka bhi ye jankari mein lana chahiye. Grihamantri ji aapko shayad yaad honge, kuch din pehle ek 3 divasiyo sabha hui thi, baithak hui thi yahan Delhi mein, wo DG aur IG ko lekar. वो 3 दिवसीय सभा में क्या बताया गया, ये थोड़ा बयान सदन के अंदर अब देने का दया करे. जो डीजीपी और आईजी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक रिसर्च पेपर पुलिस अधिकारियों ने पेश किया था, और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे, उस मीटिंग में मौजूद थे अजीत डोभाल साहब, गृह मंत्री साहब और आला अधिकारी, सुरक्षा और गृह मंत्रालय से जुड़े हुए आला अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे. उस मीटिंग में क्या कहा गया, अमित शाह जी थोड़ा दया कीजिए, अमित शाह जी थोड़ा दया कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यह मीटिंग के साथ आपका संपर्क है. यह मीटिंग डीजीपी और आईजीपी के थे. उस मीटिंग में ये बात रखे गए कि पूर्वी लद्दाख में जहां एलएसी है, 65 पेट्रोलिंग प्वाइंट है, इसी प्वाइंट है जहां हम गश्त करते थे, गश्त लगाती थी हमारी सेनाएं, हमारी सुरक्षा बल. उन 65 में से अब 25 पॉइंट्स पर गश्त नहीं लगा पा रहे हैं. अब बताइए ये सही या गलत. और वहां रेबी नाम के एक कम्युनिटी है, लद्दाख के हमारे जो एमपी है जानते हैं, जो अपने भेड़ बकरी चराने वालों की कम्युनिटी है, जो सदियों से हुआ अपने जानवरों को चराते हैं, अब वो हुआ नहीं चरा पाते हैं अपने जानवरों को. आप बताइए ये सही या गलत. आप बताइए. पेपर में अमित शाह जी, पेपर में ये भी कहा गया, अमित शाह जी जरा ध्यान में सुनिए, वर्तमान में काराकोरम दर्रे से लेकर चुमार तक 65 पीपी है, मतलब पेट्रोलिंग प्वाइंट है, जिन्हें इंडियन सिक्योरिटी फोर्स द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाना है. 65 पीपी में से 26 पीपी यानी पीपी नंबर 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62 में हमारी उपस्थिति प्रतिबंधक या आईएसएफ की द्वारा गश्त नहीं करने के कारण खो गए हैं. ये सही या गलत है आप बताएं. 17 बार मिलिट्री लेवल पे टॉक हुई है. 18 बार हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई थी चीन की प्रधानमंत्री जी को, लेकिन नतीजा क्या निकला ये हमें जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि लद्दाख हमारे ही ये देश की एक अखंड इलाका है. हमारे किरण रिजिजू जी बोल रहे थे अरुणाचल के बारे में, 2022 जनवरी में पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीनी द्वारा पैंगोंग सो पर एक पुल के निर्माण का ताजा उपग्रह छवियां सामने आई. आप बोल सकते कि हम कोई भी गुमराह करने के लिए बात बताते हैं, छोड़ दीजिए, हम तो यहां एक बार नहीं 100 बार यहां गुहार लगाई थी कि भाई चीनी अतिक्रमण के बारे में सदन के अंदर चर्चा हो. आपने चर्चा करने की इजाजत नहीं दिया. लेकिन 1962 में जब चीनी हमला हुई थी हिंदुस्तान पे, तब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी इस सदन के प्रधानमंत्री बने थे. अटल बिहारी वाजपेयी जी मांग किया था कि हमें चर्चा करने का मौका दिया जाए, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मांग पे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट खुलवाकर 165 एमपी जिसमें शामिल हुई थी वो डिस्कशन में ये सदन देखा है, इसका सारे नबूत सरकार के पास है. और उसमें ये भी बताते हैं, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू खुद अपना खामिया को दर्शाया था. और किस लिए ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, सारे व्याख्यान दे चुके थे. और इस और सारे व्याख्यान की बात, ये सारे जो सदन प्रभावित होकर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाया था, तो वो हम क्यों वो मिसाल अभी
नहीं दिखा पा रहे हैं, क्यों आप डरते हैं? हाँ बोलिए अधीर रंजन जी, कह रहे हैं अभी क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करें। हजारों हेक्टर भूमि हार कर आए थे तब जाकर चर्चा करी थी, क्या बात कर रहे हो? इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी? हजारों हेक्टर भूमि हार कर आ गए थे तब जाकर चर्चा हुई है।